इस वक्त का ब्रेकिंग अपडेट आ रहा है लखनपुर के इलाके से, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, जहां पर एक अफगान नेशनल सिटीजन को डिटेन किया है, उसको पकड़ा है। और पूरी तरह से डिटेल अगर हम आपको बता दें तो ये जो अफगान का सिटीजन है, जिसकी पूरी तरह से जब वहाँ पर पूछताछ की गई, क्योंकि कोविड टेस्टिंग सेंटर वहाँ पर है और जब भी कोई प्रवेश करता है जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासतौर पर लखनपुर कॉरिडोर के पास, तो वहाँ पर कोविड टेस्टिंग की जाती है। और वहाँ पर जब इस व्यक्ति को देखा गया, और इसकी एज जो है वो 17 ईयर्स बताई जा रही है, क्योंकि जब वहाँ पर पूछताछ की गई और इसके पास से वीज़ा और पासपोर्ट भी जो है वो बरामद हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि वो फिजिकल मोड में नहीं है, वो दरअसल वर्चुअल मोड में है। दरअसल वो फ़ोन के बीच में है, उसकी सॉफ्ट जो कॉपी है उसके फ़ोन के बीच में थी, हार्ड कॉपी उसके साथ में नहीं थी। लखनपुर पुलिस ने वहाँ पर उसको डिटेन किया है और इंक्वायरी फर्दर चल रही है, इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रही है, क्योंकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल हम अपडेट दे रहे हैं, और इसके साथ साथ ये खबर अहम इसलिए भी है क्योंकि इस समय एक मेस की सिचुएशन है अफगानिस्तान में, जिस तरह तालिबान का कब्जा हुआ है अफगानिस्तान में, और एक मेस भी है वहाँ पर, और कई सारी जो शंकाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। हाल ही में अभी हाई अलर्ट के लिए भी ऐलान किया गया है, जिस तरह जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अलर्ट के ऊपर हैं, और एजेंसीज के पास इस तरह के इनपुट्स भी हैं कि हो सकता है कि अफगान द्वारा कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई गई हो जिससे यहाँ पर पीसफुली जो सब कुछ चल रहा है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। हालांकि जो ये अफगान का नेशनल है, इसको पकड़ा है, जो ये वहाँ का सिटीजन है इसको पकड़ा है, और पूरी पूछताछ जिससे की जा रही है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, क्योंकि एक सेंसिटिव एरिया माना जाता है, अक्सर जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर रहता है, क्योंकि टेररिज्म से फाइट करते हुए लगभग अब 3 decades हो गई हैं और उससे ज़्यादा का समय हो गया है। तो ऐसे में इस किस्म की जो चीज़ सामने आना एक क्वेश्चन मार्क लगता है, और सिक्योरिटी फोर्सेज और एजेंसीज जो हैं वो पूरी तरह से अपना काम तो कर रही हैं, हालांकि वो अलर्ट के ऊपर हैं, और ये जो अफगान का सिटीजन जो ये पकड़ा है, इसके पास वीज़ा और पासपोर्ट मिला है, लेकिन वो आपको एक बार फिर मैं बता दूं, वो उसके पास जो था वो हार्ड कॉपी उसकी नहीं थी, वो सॉफ्ट कॉपी थी। और उसके साथ साथ अब पूछताछ भी की जा रही है, और हमारी जम्मू परिवर्तन की टीम आप तक ये ब्रेकिंग अपडेट पहुंचा रही है प्रॉपर फैक्ट्स के साथ। एक बार फिर जो व्यूवर्स अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि लखनपुर के इलाके से खबर आ रही है, लखनपुर कॉरिडोर से, जहां पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये लखनपुर कॉरिडोर है, पूरा लखनपुर का इलाका आता है, और टेस्टिंग सेंटर के पास, कोविड टेस्टिंग सेंटर के पास ये एक व्यक्ति जो कि अफगान का सिटीजन है, इसको पकड़ा है। एज इसकी 18 से बिलो है, और इससे अब पूरी तरह से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये व्यक्ति आया कहाँ से, आने का सोर्स क्या रहा, आगे अगर ये जम्मू कश्मीर में जा रहा था, क्योंकि अगर ये आया है तो जम्मू कश्मीर जा रहा था, तो किससे मिलने के लिए जा रहा था, और उसके साथ साथ क्या मिलने के पीछे वजह थी, किससे मिलने के लिए जाना था, किस तरह की बातें थी, ये सब कुछ जो है बातें ये एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर रहेंगी। हालांकि कोई इसमें लेटेस्ट अगर अपडेट आता है, लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है, तो जम्मू परिवर्तन की टीम ज़रूर आपसे साझा करेगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुमिल अबरोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।